नमो नारे, नमो नारे। के गो माता वंदे मात्रमा को प्रणाम और जाने कितने लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं और जो अच्छे होते हैं वो हजारों जिंदगी को बना जाते हैं नमो नारायण नमो नारे, नारे, नारे। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है बारह के बारह राशियों के लिए ये आपका मंथली राशि फल है मासिक राशि फल है साथियों पावन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ अक्टूबर 2024 का महीना आरंभ हो रहा है 2 अक्टूबर को सर्व पित्र श्राद्ध है साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है और इसके साथ ही तीन अक्टूबर से शारदीय सा, नवरात्रों का प्रारंभ है बारह अक्टूबर को विजयदशमी का त्यौहार है और उसके साथ ही नवरात्रों का समापन होगा बीस अक्टूबर को माता बहनों के लिए बहुत अद्भुत त्यौहार है वो है करवा चौथ बीस अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है चौबीस अक्टूबर को हो अष्टमी का व्रत है और उनतीस अक्टूबर को धन त्रयोदशी है इकतीस अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और है, है अक्टूबर का महीना समाप्त हो जाएगा क्या कुछ खास करें इन शारदीय नवरात्रों में कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो और धन की बरसात और मिले कष्टों से छुटकारा इसकी चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे लेकिन इससे पहले हम जानते हैं अक्टूबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अक्टूबर के महीने में पांच ग्रह प्रभावित होंगे सबसे पहले 9 अक्टूबर को देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह वीडियो गुरु मंत्री दाती महाराज पर आपको मिल जाएगा 10 अक्टूबर को बुद्धदेव तुला राशि में संचरण करेंगे 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे सत्रह अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी राशि सत्रह अक्टूबर सूर्य सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में संचरण करेंगे और बीस अक्टूबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण करेंगे और उनतीस अक्टूबर को बुद्धदेव का संचरण वृश्चिक राशि में रहेगा यह था अक्टूबर 2024 का ग्रह योगा योग अब बात करते हैं कि बारह बारह राशियों के लिए अक्टूबर 2024 का बहना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा क्या आपके लिए भाग्य उदय का कोई खास उपाय है इस महीने इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज कारोबार नौकरी समाज परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर दो चौबीस का महीना विस्तार से चर्चा करूंगा और मोटा मोटा भी बताऊंगा ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा राशिफल पुरुषों के लिए भी है महिलाओं के लिए भी है बुजुर्गों के लिए बच्चों के लिए भी होगा आप लगन कुंडली से भी ये राशिफल देख सकते हैं जैसे यदि आपकी मेष राशि है ये राशिफल आपके लिए वैसा ही रहेगा सटीक रहेगा और आपका मेष लगन है तो भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहता है इन सब राशियों के साथ साथ भाग्य आपकी पक्ष में द, दस्तक दे और आपकी परेशानी का निवारण हो विशेष नवरात्रों के उपाय भी राशिफल में बताऊंगा न मना रहे न मना रहे अब मैं बात करूंगा राशि चक्र चक्र की दसवीं राशि यानी मकर राशि मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत मिला इस पर चर्चा करूंगा लेकिन उससे पहले राशिफल से पहले मकर राशि के बारे में मेरी कुछ अनुभव की बात मकर राशि शुद्ध आत्मा के लोग होते हैं इनकी आत्मा बहुत शुद्ध होती है इनके पास सोने का दिल होता है ये मूल रूप तो से सिर्फ वास्तविक और दिल के प्रति वफादार होते हैं कोई भी इनकी दयालुता और दूसरों की मदद करने की इच्छा को गहराई से माप ही नहीं सकता जरूरत पड़ने पर कोई भी मकर राशि पर निर्भर हो सकता है और वे उसकी रक्षा भी करते हैं चाहे कुछ भी हो वे अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं मकर राशि वाले प्रतिबद्ध और कठोर पारिश्रमिक होते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि कड़ी मेहनत से लंबी अवधि में सफलता मिलेगी मगर राशि के लिए एक समूह में विलय करना बहुत आसान है एक टीम के खिलाड़ी हैं जो भी मकर राशि वालों के साथ काम करता है या काम करता या पर रखता है वो भाग्यशाली होता है वो उन्हें अपनी टीम टीम में रखता है वे टीम के लिए बड़ा मूल्यवान है मकर राशि के लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और सफल होने के लिए सदा प्रेरित रहते हैं दृढ़ निश्चय होता है इनका हमेशा एक बेहतर और अधिक समृद्ध भविष्य की दिशा में काम करते हैं वे न केवल उत्तम दर्जे के दिखते हैं बल्कि उत्तम दर्जे का अभिनय भी करते हैं मकर राशि हमेशा श्रेष्ठ आकर्षक और दयालु भी होते हैं ये, ये मेरा अनुभव था मकर राशि के बारे में अब अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है अब बात करेंगे आपके लिए ग्रह गोचर किस तरह का है क्योंकि ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशि बोला जाता है तो अक्टूबर महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे उस पर थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं मकर राशि वालों को राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से वक्री अवस्था में दूसरे भाव में संचरण करेंगे शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव सप्तम दृष्टि अष्टम भाव और दसम दृष्टि ग्यारहवें भाव पर रहेगी बात करते हैं सूर्य देव बुद्ध देव शुक्रदेव और केतुदेव माँ के आरम्भ में सूर्यदेव बुद्ध देव केतुदेव कन्या राशि नवम भाव में संचरण करेंगे दस अक्टूबर को बुद्ध देव तुला राशि दसम भाव में रहेंगे जहां शुक्रदेव पहले से विराजमान रहेंगे अक्टूबर शुक्रदेव वृश्चिक राशि भाव भाव में संचन अक्टुर अक्टुर के के में संचरण संचरण करेंगे करेंगे अक्टूबर अपनी नीच राशि तुला से और उनतीस अक्टूबर को देव वृश्चिक राशि ग्यारहवें भाव में संचरण करेंगे मंगल देव अक्टूबर के माह के आरंभ में मिथुन राशि अष्टम भाव में रहेंगे और बीस अक्टूबर को मंगल देव नीच राशि कर्क में सप्तम भाव में संचरण करेंगे बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि पंचम भाव नौ अक्टूबर से बृहस्पति देव वृषभ राशि बकरी अवस्था में संचरण करेंगे राहुदेव मीन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे यह था ग्रहों का अक्टूबर महीने में ग्रह योगा योग अब इन ग्रह योगा को मोटा मोटा मैं देखूं तो मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है चाहे वो कामकाज हो चाहे कारोबार हो चाहे नौकरी हो चाहे रोजगार हो समाज हो चाहे परिवार हो अच्छा संकेत है और आप व्यवसाय से जुड़े आप नौकरी से या आपका निजी रोजगार है तो लाभ के अच्छे संकेत मिले अनावश्यक दिक्कतों परेशान से छुटकारा मिलेगा कारोबार में वृद्धि और अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और सहयोगी कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी रुका हुआ धन प्राप्त होगा व्यवसाय नौकरी में किए गए सार्थक प्रयास मनो अनुकूल सफलता देंगे व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे कैरियर संबंधी मसले हल होंगे कैरियर कामकाज कारोबार समाज और परिवार की पिछली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और कामकाज में राहत मिलेगी क्योंकि तो वे कामों में गति आएगी अनावश्यक पारिवारिक परेशान से राहत महसूस करेंगे और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाड़ता आएगी पारिवारिक जीवन में अनुकूलता रहेगी पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का सुअवसर प्राप्त होगा और पारिवारिक सामंज से अच्छा रहेगा आप युवा हैं विद्यार्थी हैं कैरियर कामकाज कारोबार शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और स्वास्थ्य के लिए कुछ राहत महसूस करेंगे लेकिन फिर भी यह संकेत नजर आ रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर आप लापरवाही मत करिएगा तो यह था मोटा मोटा अक्टूबर के महीने में ग्रहों का प्रभाव मकर राशि वालों का लेकिन जब ग्रह आपस में योगा योग दृष्टि और युति संबंध बनाएंगे तब कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब मैं विस्तार से बात करूंगा लेकिन उसके साथ साथ तीन अक्टूबर 2024 हजार चौबीस से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे माई की कृपा प्राप्ति धन प्राप्ति के अद्भुत उपाय भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले व्यवसाय नौकरी और आर्थिक लाभ कोई गलती हुई क्या सबसे पहले बात करूंगा कामकाज कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना मकर राशि वालों धन को लेकर नौकरी को लेकर व्यवसाय को लेकर अक्टूबर के महीने में आप भाग्यशाली रहेंगे माँ के आरंभ में दसवें शुक्रदेव स्व राशि तुला में दसवें भाव में विराजमान रहेंगे तेरह अक्टूबर शुक्रदेव एकादश भाव लाभ स्थान में संचरण करेंगे शनिदेव धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बकरी अवस्था में विराजमान रहेंगे पूर्ण दशी से लाभ भाव को मन आवश्यकता की पूर्ति होगी बेरोजगार से पीछा छूटेगा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे इसके साथ ही धन लाभ के एक से अधिक साधनों की प्राप्ति आपको होगी टूर ट्रेवलर्स ऑनलाइन बिजनेस ग्रोसरी चिकित्सा का फूलों से संबंधित व्यवसाय लॉन्ड्री का काम कोयला खनन कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट प्रॉपर्टी सेल प्रेजेंट डेयरी उद्योग ऑयल संबंधी काम इस सब कामों में चाहे आप जॉब करते हैं या व्यवसाय है आपको हर जगह सफलता और लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे शानदार सफलता है लाभ सफलता और इनकम सोर्सेज की बढ़ोतरी का संकेत बहुत अच्छा है छठे भाव के स्वामी बुद्धदेव अष्टमेश सूर्यदेव के साथ भाग्य स्थान में संचरण करेंगे माँ के उत्तरा में सूर्यदेव और बुद्धदेव का संचरण दसम भाव में होगा भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा इस समय आप नौकरी में है तो नौकरी में प्रमोशन अनुकूल संकेत मिल रहे प्रमोशन भी हो सकता है है स्थानांतरण भी हो सकता नौकरी में बहुत सारे अधिकारी से अच्छे संबंध बनेंगे और आपके रिलेशनशिप का आपको उत्तम लाभ मिलेगा भाग्य का सितारा बुलंदियों का संकेत दे रहा है व्यवसाय में में आर्थिक धन स्रोत वृद्धि होगी अकस्मात किसी धन की प्राप्ति का योग है रुके काम बनेंगे नौकरी संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा नौकरी में मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी उच्च पदों पर विराजमान प्रशासनिक अवसरों के लिए समय नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहे हैं यदि आप जनसंपर्क अधिकारी है या जल विभाग में है नौकरी करते हैं किसी कंपनी के सीईओ या जीएम है या उच्च पदों पर विराजमान है निश्चित ही आपको इस महीने सफलता मिलेगी परंतु तुला राशि में जब सूर्य जाएगा यानी नहीं सत्रह अक्टूबर के बाद सरकारी अधिकारी को अपनों से बड़ों के संबंधों में प्रतिकूलता नहीं आए वाणी पर स्वयं और कार्यो में पारदर्शिता बहुत जरूरी है सामाजिक और पारपर दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बेहतर संबंधों का संकेत दे रहा है लेकिन वाणी का प्रयोग शालीनता का परिचय देना अति आवश्यक होगा वाणी में कठोर प्रणान नहीं रहे इस बात का ध्यान रखना होगा महापर्यंत दूसरे में भाव में विराजमान वक्री शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्भाव और सप्तम दशी अष्टम भाव पर रहेगी छठे भाव में विराजमान मंगलदेव की सप्तम और अष्टम दृष्टियां भी महापर्यत लगन और वाणी भाव को प्रभावित करे इसलिए वाणी पर संयम रखा और संयम और धैर्य का प्रचय तो कामकाज कारोबार नौकरी और पार्बर रिश्तों में अनुकूलता रहेगी थोड़ा सा स्वभाव में विनम्रता लाना बहुत जरूरी है कुटुंब और परिवार से कले नहीं हो इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा आपकी कही भी स्पष्ट और सीधी बात किसी को बुरी नहीं लगे इसलिए सोच समझ कर बोलिएगा पारिवारिक मसलों को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना आपकी वाणी की वजह से हो सकता है लेकिन निजी संबंधों में समय अच्छा रहेगा आप अविवाहित विवाह विवा का योग है और आपके निजी संबंध है तो ये संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं और आपको कामकाज में भी मनोकूल परिणामों में प्राप्त होगी इस महीने बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा मकर राशि वालों के लिए उत्तराध में सूर्य देगा तुला राशि में जाना इस बात का संकेत है पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है लापरवाही नहीं करेगा अपने उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही नहीं करें अपनों से बड़ों के साथ रिलेशन में कटुता नहीं आए इस बात पर आपको काम करना पड़ेगा आप युवा और विद्यार्थी हैं और आपकी मकर राशि है यू आर विद्यार्थियों के लिए मकर राशि वालों के लिए कैरियर कामकाज कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना शुभ रहेगा महापर्य पंचमे शुक्रदेव के स्वराशि तुला में कर्म स्थान में दसम भाव में संचरण कारण शिक्षा में सफलता मिलेगी शानदार समय शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण शिक्षा और कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा अक्टूबर का महीना कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए बेहतर रहेगा पढ़ाई में मन लगेगा कैरियर और एजुकेशन में आ रही विघन बाधाओं परेशान से छुटकारा मिलेगा पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने के कारण कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा और क्षेत्र में मामले आसानी से हल होते नजर आएंगे अपनों से बड़ों के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा गुरुजनों का पूरा साथ मिलेगा शिक्षकों और अभिभावकों का साथ खड़ा होने की वजह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा युवाओं को कैरियर संबंधी रुकावट और बाधाओं से पीछा छूटेगा मन संतुलित रहेगा निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी कोई नया कार्य करने का अवसर मिलेगा उस शिक्षा में अध्ययन तो युवाओं के लिए मैनेजमेंट साइंस मास कम्युनिकेशन आईटी, फैशन डिजाइनिंग इंजीनियरिंग जैसे विषयों में विशेष सफलता और माता पिता का सहयोग सराहनीय रहेगा पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल रहेगा पार्वरिक सदस्य का सहयोग आपके लिए कैरियर का मार्ग प्रसन्न करेगा और समय अच्छा बीतेगा अक्टूबर के महीने में तीन अक्टूबर से माँ भगवती के नवरात्र प्रारंभ माई की कृपा आपको मिले हर रोज हर रोज बता रहा हूं नवरात्र के पहले दिन से ही अपने पूजा स्थान में माँ कालारात्रि का श्रीविग्रह या अंगुश प्रमाण मूर्ति स्थापित करें हर रोज श्रद्धा पंच प्रचार पूजन करें धूप दीप नैवेदी और पुष्प अक्ष अर्पित करें अखंड जोत जलाए और साथ में ससों का तेल का दीपक भी जलाएं ओम ऐंग घ्रीम क्लीम चामुंडाई पीछे ओम काल रात्रि देवी इस मंत्र की तीन माला सुबह और तीन माला साफ करें ये अद्भुत होगा आपके लिए मकर राशि वालों लगातार नौ दिन शक्कर और तिल चीटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा गरीब निर्धन व्यक्ति को पीले फलों और पीली मिठाई का बांटना भी आपके लिए अच्छा रहेगा गाय को नौ दिन अपने हाथ से केले खिलाएगा करियर कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे नमन और बात करते हैं स्वास्थ्य की स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा ठीक ठाक रहेगा लेकिन यदि कोई पुरानी बीमारी है तो सावधानी अपेक्षित है महापर्यंत देव की लगन और दूसरे भाव में दृष्टि रहेगी और लगने ही शनिदेव वक्री अवस्था में दूसरे भाव में है पंचम भाव में विराजमान वक्री बृहस्पति देव की नवम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी तो सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें खान पान में लापरवाही नहीं करें सात्विक भोजन करे तो अच्छा रहेगा खुद की प्रति लापरवाही से बचेगा दांतों संबंधी मुंह संबंधी या गले संबंधी कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें इन्फेक्शन को लेकर विशेष सावधान रहिएगा मकर राशि वालों इस महीने कुछ बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान देना होगा ये सावधानियां आपकी पहली है फिजुल की बातों में नहीं उलझे स्पष्ट बोलना चाहिए लेकिन मीठा बोलना चाहिए पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं को बुद्धिमानी से निपटाए तो अच्छा रहेगा सरकारी मामलों में बिना सोचे समझे हस्ते मोटे नुकसान का संकेत दे रहा है कानूनी दायरे का उल्लंघन नहीं करें सरकारी मामले को लेकर लापरवाही नहीं करें इनकम टैक्स जीएसटी सेल टैक्स के मामलों में विशेष सावधानी बरतें इस महीने कामकाज कारोबार नौकरी में परेशानी नहीं आए तो हर रोज भगवान शिव की आराधना करें ओम नमः शिवाय या त्रम्बक उर्वा रुक्मी बंदनाथ मृत महा इस मंत्र का जाप करें भगवान शिव का दूध में मिश्री मिलाकर हर रोज अभिषेक करना बड़ा उत्तम उपाय रहेगा अक्टूबर के महीने ये उपाय का आप सारा लेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा न मनाए फिर दर्शकों मित्रों साथियों मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था आपके पास है और आप ही के पास रहेगा मानो ना मानो ये आपकी हाँ आंकलन मेरा था मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ आप सुखी रहें आप स्वस्थ रहें समृद्धिशील रहे शनदेव के चरण में मेरी प्रार्थना न राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं बेटियों से बहुत प्यार करते हैं हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए नहीं पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था हमेशा मैंने एकाक्ष सेवा करिए आप मैं भी सेवा करता हूं आप भी सेवा करें धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को यह कहने के लिए मजबूर कर रही है कि संविधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए भाई आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा पूरे साल खड़ा रहूंगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर संपर्क करिए आप मेरे से बात करिए लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गाय चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हृदय से आया लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं फिर भी मैं अभी भी मैं मेरा ये अहंकार नहीं साथियों मेरा राज सरोपर ही है मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए शनि भगवान आपकी रक्षा करे आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन और वे लोग जो सक्षम है सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग लगभग 20 से 25, 50 लोग ऐसे भी हैं मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्तुति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि संविधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए सरकार सपोर्ट कर रही है अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते हैं शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर है जरूर सहयोग करें मेरा कोई दबाव नहीं है प्रार्थना थी ओम नमो नारायण ओम नमो